गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मेरा नाम सत्यम कुमार है और मैं आरएलएस मेमोरियल डिग्री कॉलेज का बीएड थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरा अनुक्रम 180 53 54 53 0 85 है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज का जो हमारा विषय है वो सामाजिक विज्ञान है और उपविषय भूगोल। तो भूगोल के विषय भूगोल से हमने एक टॉपिक लिया है आज का अध्ययन करने के लिए, इसका नाम है सूर्य ग्रह। ठीक है, आज हम सूर्य ग्रहण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों आप मुझे बताएंगे कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है और कब होता है, आपको पता है? तो आज हम जो है आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण कब होता है और कैसे होता है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, आपको उसका उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आप बताइए, पहला प्रश्न है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। और दूसरा प्रश्न है हमारे हम सौरमंडल में 8 ग्रह पर से कौन से ग्रह पर रहते हैं? तो हम सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उन ग्रहों में से पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न है कभी कभी बिना बादलों के भी सूर्य और चंद्रमा क्यों दिखाई नहीं देते, क्या आपको पता है? तो अब मैं आपको बताऊंगा और आप उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है, तो ये सूर्य है और ये चंद्रमा और ये है पृथ्वी जहां पर हम रहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि जब अमावस्या के दिन सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा
एक शीट में आ जाते हैं तो उसी के कारण बस सूर्य ग्रहण होता है। यह है सूर्य ग्रहण का डायग्राम, आप देखिए और समझिए, ठीक है।